Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm going to show you this beautiful DIY wall hanging. मैंने इसे वेस्ट मटेरियल से बनाया है. एज यू कैन सी ये बहुत ही ब्यूटीफुल है. इसे बनाना बहुत ही ईजी है और इसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ किया है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सीज़र, कैची, बॉटल्स. ये मेरी होम्योपैथिक की मेडिसिंस की बॉटल है. वेस्ट वूल और ये मैंने वेस्ट जार का कैप लिया हुआ. सबसे पहले हम एक मार्कर लेंगे और स्केल से अपने कैप पे 16 मार्क्स पॉइंट्स मारेंगे जहाँ पे हम अपनी बॉटल्स को हुक करेंगे, लटकाएंगे. तो मैंने यहाँ पे 16 मार्क किए हुए हैं. आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं. मेरे पास 16 बॉटल्स थी तो मैंने यहाँ पे 16 मार्क किए हैं. और एक सेंटर पे हम लोग मार्क करेंगे. अब हम इसमें होल्ड करेंगे. तो होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे नीडल ली है. नीडल को मैं गैस पे गर्म कर रही हूँ. उसके बाद हम लोग उसे होल्ड करेंगे. इसे गर्म करने की वजह से हमारा जो जार का कैप है वो इजीली इसमें होल हो जाएगा. तो हम ऐसे अपने सारे पॉइंट्स पे होल्ड करेंगे और सेंटर पे भी. बट हमें इसे केयरफुली करना है क्योंकि नीडल गर्म होने की वजह से हमारा हाथ भी जल सकता है. सो बी केयरफुल. तो मैंने अपने जार कैप पे होल्ड कर लिया है. अब अपनी सारी बॉटल्स पे भी ऐसे ही होल्ड करेंगे. मैंने सेम से गर्म किया है नीडल को पहले और फिर इसमें होल्ड कर रही हूँ. हमें ऐसे सारी कैप्स में करना. तो मैंने अपने कैप पे होल्स कर लिए हैं और अपने सारी बॉटल्स पे भी मैंने होल्ड कर लिया है. अब हम इसे तो अब मैंने यहाँ पे उनको छोटा बड़ा करके 16 पीसेस काट लिए हैं. अब मैं इस पर बॉटल्स लगाऊंगी. अब हम लोग अपने ऊन को अपने कैप के अंदर के साइड से ऐसे बाहर ले आके इसमें गांठ मारेंगे. हम लोग इसके नीचे से गांठ मार देंगे ताकि ये हम जब इसे अपने कैप पे जार के कैप पे टांगें तो ये खुले ना और निकले ना. तो हम इसे अच्छे से बांध देंगे और हम अपनी बॉटल में कलर डालेंगे. तो अब मैंने यहाँ पे अपनी बॉटल में पानी भर लिया है पूरा. मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ. आपको भी फैब्रिक कलर ही यूज़ करना है क्योंकि अगर आप कोई और कलर यूज़ करेंगे तो वो नीचे बैठ के जम जाएगा. तो आप फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे तो वो बेटर रहेगा. हम इसे अच्छी तरीके से अपने वाटर में मिक्स कर देंगे. और अब मैंने यहाँ पे पॉलीथीन का एक छोटा पीस काट के इस पर लगाया है ताकि हमारा पानी बहे ना. और हम इस पर ऐसे कैप लगा देंगे. तो मैंने अपनी सारी बॉटल्स में ऐसे पानी भर के इसके ऊपर से ऐसे डोरी लगा दी छोटी बड़ी करके और इसे हुक करेंगे. सो मैंने यहाँ पे अपनी दो बॉटल्स को अपने कैप पे ऐसे लगा दिया है. हमें अपनी सारी बॉटल्स को ऐसे ही अपने कैप पे लगा देना है. तो मैंने यहाँ पे अपनी सारी बॉटल्स को वूल की मदद से अपने कैप पे ऐसे लगा दिया है और गार्ड बांध ली है. अब हम अपनी हमारी बड़ी बॉटल्स हैं अब हम उसे कैप के सेंटर में लगाएंगे और फिर हम अपने पॉम पॉम को अपने कैप पे लगाएंगे. जितनी भी बड़ी बॉटल थी मैंने सबको एक साथ इकट्ठा करके बांध दिया है और हम इसके सेंटर में इसे ऐसे डाल के और गांठ मारेंगे ताकि ये भी इस हमारे कैप पे अच्छी तरीके से टंग जाए. तो अब हम बनाएंगे अपना पॉम पॉम. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऊन लिया है. ऊन को हम अपने दो फिंगर में अच्छी तरीके से लपेटेंगे. आपको
को अपनी फिंगर्स के बीच में थोड़ा गैप रखना है ताकि हम इसे बीच से बांध सकें। इसमें हम अपनी फिंगर्स पे ऊन को अच्छे तरीके से लपेटेंगे। हमें पॉम्पॉन बड़ा बनाना है तो हम इसमें ज़्यादा ऊन लपेटेंगे और फिर हम इसमें से बीच में से हम इसे डोरी को बांधेंगे। तो अब हम इसे अपनी फिंगर के बीच में से ऊन को निकाल के हमें इसे अच्छी तरीके से बांधना है। हमें इसे फिंगर्स निकाल रही हूँ। फिंगर्स निकालने के बाद हम इसे अच्छे से बांध देंगे टाइट से ताकि ये खुले ना। हम इसमें अच्छे से गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और गांठ लगाने के बाद अब हम इसे बीच से कट करेंगे। तो हम अब इसे बीच से कट करेंगे। इसे अच्छे से हम लोग सारे ऊन को ऐसे कट करके फिर हम इसे अच्छे से ट्रिम करेंगे। हमें दोनों साइड को ऐसे कट करना है। और हम इसे ट्रिम करेंगे तो इसे हमें अच्छे से प्रेस करके इसके जितना भी एक्स्ट्रा ऊन हमें दिख रहा है हम इसे निकाल देंगे। हमें इसे चारों तरफ से अच्छे से ट्रिम करना है। हम इसमें सारा एक्स्ट्रा ऊन जो भी है हमें इसमें से सब निकाल देना है ताकि हमारा पॉम्पॉम एकदम अच्छा सा स्पेयर शेप में आ जाए। तो मैंने अपने पॉम्पॉम में से सारा एक्स्ट्रा ऊन निकाल दिया है। पॉम्पॉम्स को इसके साइड में ग्लू से चिपका दिया है और हमारा वॉल हैंगिंग बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑफ माई चैनल। Thanks for watching.